करते हैं, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी को बड़ा अच्छा उपदेश दिया। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि देखो, जो परमात्मा है, जो जिनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, संसार में हम जितने भी लोग हैं सब में कोई ना कोई कमी रहती है, इसीलिए हम देखते हैं वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते, हम लोगों में भी बहुत कमी होती है। लेकिन संसार में परिपूर्ण तो केवल परमात्मा है, भगवान है, और उनके एक एक रोम में उतना ही बल होता है जितना बल उनमें होता है। भगवान के हर रोम में उतना बल है, उतना बल जितना माने समान रूप से बल है सारे शरीर में, रोम रोम में, क्योंकि वो पूर्ण है। हम लोगों के जैसे एक उंगली से कोई काम नहीं होता तो हाथ से करते हैं, एक हाथ से नहीं होता दोनों हाथ से करते हैं, और एक आदमी से नहीं होता दो लोग मिलते हैं, कोई बड़ा काम करना होता तो सारा परिवार मिलता है। लेकिन भगवान के ऐसी बात नहीं, भगवान के एक रोम में भी उतना ही बल है जितना भगवान में संपूर्ण बल है। और भगवान सबके कर्ता हैं, सबके हर्ता हैं, और सृष्टि के सार अंश के भोक्ता हैं। देखो, संसार में हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें सार सार मिल जाए, जैसे हम कथा भी सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ज्यादा कथा ना सुने, जो इम्पोर्टेंट कथा है वो हम सुन लें। जैसे हम अपनी लिस्ट बनाते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम सोचते हैं कि ये काम हमारा बहुत जरूरी है, वही हम पहले करते हैं। तो देखो, वो भगवान जो है वो सारहीन, माने अब हम लोग पूजा करते हैं, यदि पूजा में कोई सार नहीं है तो वो पूजा को भगवान ग्रहण नहीं करते। जैसे हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन में कुछ सार होता है, वो भोजन हमारे लिए पुष्ट शक्ति देने वाला होता है, तो भगवान भी समस्त द्रव्य पदार्थों के सार भाग को ग्रहण करते हैं। भगवान भक्तों के प्रति दयालु हैं और भक्तों का हित सोचते हैं। हम भगवान को जो भी कुछ राम मंदिर में भोजन बनता है, और हमारे मंदिर की सनातन धर्म की परंपरा है, मर्यादा है कि पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर हम लोग बांट करके उस भोजन को पाते हैं, सभी लोग पाते हैं, सत्संगी लोग, भक्त लोग। तो इसमें जो भी कुछ भगवान को निवेदित किया जाता है, चार प्रकार का भोजन है, भोज्य है, भक्ष्य है, जोष्य है, लेह्य है, और पेय है, पीने के योग्य है, और चाटने के योग्य है, खाने के योग्य है। तो चार प्रकार का भक्ष्य, पेय, लेह्य, हलवा आदि जैसा पदार्थ होता है, आम जैसा चूसने के योग्य होता है। तो इस प्रकार के जितने भी भोजन हैं, भगवान उनके सार को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें क्या होता है, शबरी के बेरों को भगवान ने खाया, तो कई बार हमारे मन में भावना अच्छी नहीं है तो भगवान भाव दुष्ट अन्न को नहीं ग्रहण करते। कई बार हमने देखा ना, आपके हम और किसी के घर जाते हैं और वो आपको पता चल जाता है कि वो फॉर्मेलिटी में कहते हैं भाई भोजन कर लो, तो आप कहते हैं नहीं नहीं हमें भूख नहीं है, नहीं हम खा कर आए, हमारा पेट भरा हुआ है, और उसी समय आप घर जाते हैं और आप रोटी खाते हैं, क्योंकि आपको उस समय आप पता चल जाता है कि खिलाने वाले का भावना, उसकी भावना खिलाने की नहीं थी, खाली पूछने की थी, तो जैसा उसने पूछा आपने वैसा उत्तर भी दे दिया। ऐसे भगवान भी, यदि हम भगवान को भावना से भोजन नहीं कराते तो भगवान भी उसको ग्रहण नहीं करते। तो सबसे बड़ी चीज है भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे पत्ता ही हो, चाहे फूल ही हो, चाहे जल ही हो, चाहे फल ही हो, भगवान को भावना से अर्पण किया जाता है। तो भाव दुष्ट पदार्थ को भगवान ग्रहण नहीं करते। द्राक्षा एक किशमिश हो,
एक किशमिश भगवान को अर्पण कर दो, और कहते हैं एक तिल भी भगवान को अर्पण कर दो, तिल एक तिल छोटा सा तिल है, लेकिन भगवान उसी को अर्पण उसी को ग्रहण कर लेते हैं। आपको मालूम है द्रौपदी ने जो कुंती ने भगवान को जो भोजन खिलाया था, माने उनको केवल जरा सा ही कण बचा हुआ था और भगवान ने खा लिया था, तो दुर्वासा के शाप से पूरा परिवार बच गया था, क्योंकि भगवान ने भोग लगा लिया और भोग लगा के सबको तृप्त कर दिया। तो दुर्वासा के 1,000 जो शिष्य थे उनके साथ भोजन करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए पांडवों की आए थे दुर्वासा ऋषि, लेकिन भगवान की कृपा से भक्ति से उनके उनका शाप दुर्वासा शाप नहीं दे पाए, क्योंकि वो भूखे ही नहीं रहे, उनको भोजन वो वैसे ही तृप्त हो गए। तो इस प्रकार के तो जैसे जामुन आदि फल पकने के बाद, देखो यह थोड़ा सा बताया कि जामुन है, आम है, या ऐसे जो जो फल पकने वाले इस तरह के रस वाले फल होते हैं, वो 4 दिन तक आपके फ्रिज में कहीं रखे रह सकते हैं। 4 दिन के बाद उनको पितरों को भगवान को अर्पण नहीं किया जाता, ये धर्मशास्त्र की बात। कृष्ण भगवान ने कहा खजूर डेट्स, आप यू हैव डेट्स इन योर हाउस एंड यू वांट टू ऑफर टू गॉड, आप भगवान को खजूर खिलाना चाहते हैं, तो 6 महीने तक का खजूर भगवान को खिलाया जा सकता है, और 6 महीने के बाद का खजूर भगवान ग्रहण नहीं करते, वो फिर खाने के योग्य नहीं होता। आपने नारियल भगवान को चढ़ाना है, नारियल, तो नारियल आपने उसको फोड़ दिया, और फोड़ने के बाद 24 घंटे तक उसको भगवान को अर्पण किया जा सकता है, 24 घंटे के बाद उसको आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। लेकिन नारियल जो गोला होता है, जो इसमें पानी नहीं होता, ये बिना ये पानी वाले की बात है, और जो पानी जिसमें नहीं होता सूखा हुआ नारियल, वो भगवान को ज्यादा दिन तक भी चढ़ाया जा सकता है, वो अशुद्ध नहीं होता। ऐसे खजूर सूखा, खजूर सूख गया, आपने धूप में सूखा लिया या सूखा हुआ खजूर है, वो 6 महीने के बाद भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। सुपारी, सुपारी जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, ये 1 वर्ष तक भी, 1 वर्ष तक सुपारी को भगवान को चढ़ाया जा सकता है। पान, पान को भगवान को चढ़ाया जाता है, वो हम रखे रखते हैं, लेकिन 24 मिनट के बाद फिर उसको नहीं चढ़ाया जाता। पका हुआ अन्न, बहुत सावधानी की बात है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के 3 घंटे के भीतर भीतर भगवान को भोग लगा देना चाहिए। 3 घंटे के बाद यदि हम भोग लगाते हैं तो वो सारहीन हो जाता है, उसमें कोई सार नहीं रहता। ऐसे ही तेल में पकाई हुई कोई चीज है, तेल में हमने पका के जैसे हम लोग कुछ फ्राइड कोई चीज रख लेते हैं और उनको भी भगवान को भोग लगाते रहते हैं, उसके लिए है, उसके लिए नियम है 45 दिन तक, 45 डेज, 3 पक्ष तक तेल में घी में पकाकर कोई चीज रख सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने का मतलब उसमें सार होता है, और 45 दिन के बाद उसमें कोई सार नहीं होता, फिर वो फेंकने का होता है, भोग लगाने का भी नहीं होता, फिर ऐसे तो खाने का भी नहीं होता। जो साग खाते हैं हम, सरसों का साग खाते हैं या चौलाई का साग खाते हैं, जो इस तरह के साग है, वो साग 9 घंटे के बाद उसको भगवान को खिला नहीं सकते, अपने भी नहीं खाना चाहिए। नींबू, सिंगवेर, आंवला, कपूर और आम, ये 1 वर्ष के बाद निस्सार हो जाते हैं, जैसे अचार वगैरह आम का हम ले लेते हैं, 1 साल तक इनको रखा जा सकता है, नींबू का अचार है, आंवला है। लेकिन तुलसी, तुलसी को सुखा कर रख लीजिए, आपके घर 100 साल तक भी तुलसी रखी रहती है तो
तो तुलसी कभी भी खराब नहीं होती। इसमें लिखा हुआ है तुलसी सर्वदा सारा एकादश्यामपि द्विज आर्द्रा वाप्यथवा शुष्का सार्द्रा सार्वती स्मृता। तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। और एक और बात बताई, प्रयत्न करना चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन ऐसा कहा कि एकादशी के दिन अन्न निस्सार हो जाता है, जहां तक हो सके एकादशी को अन्न थोड़ा लेवे, लेकिन फल ज्यादा लेना चाहिए। और हरिका तीर्थ चरणा मृत ये जो इसमें लिया जाता है एकादशी में, भगवान का चरणामृत लेना चाहिए। आषाढ़ मास में शाक, भादों के महीने में दही और क्वार के महीने में दूध, ये निस्सार होते हैं। माने आषाढ़ के महीने में शाक खाने से कोई लाभ नहीं होता, भादों के महीने में दही खाने से कोई लाभ नहीं होता। आजकल जो महीना चल रहा है इस महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए। आश्विन के महीने में दूध खाने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ही ये तो बात बताई थोड़ी खाने पीने की, लेकिन भगवान का नाम जिस मुख से नहीं निकलता और भगवान के नैवेद्य के रूप में अर्पित किए बिना बना हुआ समस्त भोजन, माने एक तो ऐसा मुंह जिससे भगवान का नाम नहीं निकले वो मुंह भी व्यर्थ होता है, और ऐसा भोजन माने हम लोग कहीं भी रास्ते में खा लेते हैं वो ऐसा वो व्यर्थ होता है। माने भोजन कैसे खाना चाहिए, भोजन को पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो भोजन को अर्पण, इसलिए हरि नैवेद्य ही नस्तु पाको निस्सार उच्यते। हमने भोजन बनाया और भगवान को अर्पण ही नहीं किया और ऐसे ही खा लिया, उसको खाने से कोई लाभ नहीं होता, ऐसा बताते हैं। ऐसे ही अलसी का फूल है वो 3 दिन में निस्सार हो जाता है। एक पहर में मल्लिका का फूल, आधे पहर के बाद चमेली का फूल निस्सार हो जाता है, आधे पहर माने 1.5 घंटे के बाद। 3 वर्ष के बाद केसर, केसर आप रखते हैं सैफ्रन, उसको आप एक साल तक रख सकते हैं, 1 साल के बाद उसको फेंकना होता है। कस्तूरी 10 साल तक रख सकते हैं। 1 साल तक कपूर को रखा जा सकता है, लेकिन चंदन को सारे जीवन भर रखा जा सकता है। ये मैंने थोड़ी सी आपको सार की बात कही। और भी एक और बात, कई बार हम लोग आजकल पितृ पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष में कई बार हम लोग डरते हैं, फीजी वाले थोड़े ज्यादा डरते हैं, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ फीजी वाले कहते हैं महाराज पितरों की बात मत किया करिए, तर्पण की श्राद्ध की बात मत करिए। लेकिन क्या होता है, फीजी वाले कई बार मुझसे कहते हैं हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, आप हमें कुछ उपाय बताइए। तो मैं पढ़ रहा था, आज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई बार होता है कि हमारे घर में कोई रहता है, हमारे घर में कोई भूत है, कोई प्रेत है, इसका हम क्या उपाय करें। तो इसके लिए हमारे कई बार हमारे महात्मा लोग बताते हैं, कहते हैं जैसे कई बार बुखार हो जाता है और डॉक्टर की दवाई से ठीक ही नहीं होता, कई बार शरीर में वायु बीमारी हो जाती है और ठीक नहीं होती, तो ये इसके लिए कहते हैं जो अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए, जैसे वो भूत प्रेत रहते हैं, किसी के सिर में दर्द हो जाता है, किसी को विसूची का हैजा हो जाता है, डरने की बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पुराण में बताई बात, भगवान ने ये वर्णन किया कि प्रेत लोग जो होते हैं वो हमारा क्या नुकसान कर सकते हैं, वो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। प्रेत वे ना कुछ कहते हैं ना बोलते हैं, उनको कैसे कलयुग में क्या करना चाहिए, और बहुत से लोग प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं देखो, प्रेत जो मर जाते हैं, मरने वाले अपने परिवार को कष्ट देते हैं, वो क्या करते हैं, कष्ट किसको देते हैं, अभी तो बड़ी समस्या हो गई,
लेकिन हम यहां पर आपका समाधान इसलिए बताते हैं कि कोई प्रेत कोई मरने वाला हमें कष्ट ना दे सके, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जीते जी तो वो प्रेमी की तरह दिखाई देते हैं हमारे, जब पत्नी है पति है हम उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो वो दुष्ट बन जाते हैं, मरने पर वो हमें कष्ट देते हैं। धर्म में अंधरक्त रहते हैं, देवता और अतिथि की पूजा करते हैं, सत्य और प्रिय बोलने वाला है जो देवता की पूजा कर रहा है, हर फ्राइडे मंदिर में आते हैं, मंगलवार मंदिर में आते हैं, घर में भगवान का नाम लेते हैं, जीवन में सच्चाई को महत्व देते हैं, किसी को कड़वा नहीं बोलते, उनको कभी भी कोई प्रेत उनको कष्ट नहीं दे सकते, ध्यान रखना चाहिए। सत्य बोलने वाले को, प्रिय बोलने वाले को, और देवता और अतिथि, अतिथि को भी आदर देने वाले को प्रेत कभी पीड़ा नहीं दे सकते। और जो नास्तिक हैं, धर्म की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको प्रेत लोग कष्ट जरूर देते हैं, ध्यान रखना। इसलिए कलयुग में जो लोग अपवित्रता से रहते हैं उनको प्रेत योनि प्राप्त करने, उनको प्रेत योनि प्राप्त करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा पवित्र रहना चाहिए। उसमें क्या है, एक प्रेत से पीड़ित, एक पुत्र धनधान्य से संपन्न रहता है, एक का पुत्र मर जाता है, और किसी के पुत्र हुआ मर गया, और लड़की ही लड़की होती है, लड़का नहीं होता, और कई होते हैं हमारे भाई बंधु, हम उनको कितना ही भला करें वो हमसे विरोधी करते रहते हैं, ये पितृदोष के कारण होता है। और कई बार संतान नहीं होती, संतान होती है तो मर जाती है, ये भी प्रेत बाधा के कारण होता है। और हम घर में कोई पशु पालते हैं वो मर जाता है, हमारी जॉब नहीं लगती है, धन नहीं मिलता है, तो ये, और धन मिलता है तो उसको पूरे काम में लग जाता है, ये सब बंधु बांधवों से शत्रु भाव हो जाता है, अचानक ही दुख प्राप्त हो जाता है, नास्तिकता हो जाती है, और आजीविका समाप्त, जॉब चली गई, तो अत्यंत लोभ और प्रतिदिन होने वाले कलह, ये प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। और जो पुरुष माता पिता को कष्ट देते हैं, देवता ब्राह्मण की निंदा करते हैं, और उसको भी दोष लगता है, तो कभी भी देवता की निंदा नहीं करें, ब्राह्मण की निंदा ना करें, माता पिता को जितना हो सके सेवा करें, इससे प्रेत पीड़ा कोई भी हमारे घर में कोई बिगाड़ नहीं कर सकती। तो जप होम से जो दूर रहते हैं, दूसरे के धन को हरण करने की सोचते रहते हैं, उनको भी प्रेत बाधा हो जाती है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश हो जाता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह होता है, ये सब प्रेत बाधा से हो जाते हैं। रास्ते में चलते हुए कहीं हवा चलती है, बवंडर आ जाता है, तो वो भी कभी कभी उसको भी प्रेत बाधा आदि समझते हैं। तो जो नीच जाति से संबंध रखते हैं, माने कि नीच जाति का मतलब होता है जो खराब काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ संबंध रखने से भी हमें प्रेत बाधा आदि दुख देती है। हीन कर्म करना, जो काम करने का नहीं है उसको करने से भी प्रेत बाधा हमारे घर में हो जाती है। अधर्म में लगे रहना, उससे भी प्रेत बाधा होती है। और व्यसन, बुरे व्यसनों में लगे रहना, उससे द्रव्य का नाश होता है, और जीवन जीवन में अनेक प्रकार के बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और चोर से, अग्नि से, राजा से जो हानि होती है, कई बार चोर चोरी करके ले जाते हैं, तो ऐसा हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि ये भी प्रेत बाधा के कारण होता है। इसमें तो जिसके शरीर में प्रेत बाधा होती है उसमें भयंकर रोग उत्पन्न हो जाता है, बालकों को पीड़ा हो जाती है, पत्नी को पीड़ा हो जाती है, वेद स्मृति पुराण धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर अंतःकरण में प्रेम का नहीं होना, प्रेम जनित बाधा, ये सब प्रेम जनित बाधा प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से देवता तीर्थ
ब्राह्मण की जो निंदा करते हैं उनकी उनको ये पीड़ा होती है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा और वंश का विनाश भी प्रेतवाधा के कारण होता है। स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है और कई बार रजोदर्शन नहीं होता, बालकों की मृत्यु हो जाती है, ये भी प्रेतवाधा है। तो जो मनुष्य शुद्ध भाव से सांवत्सर आदि श्राद्ध नहीं करते वो भी प्रेतवाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरे में आसक्त होकर के जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दें, धर्म कार्य में अपने धन का उपयोग ना करें, जहां पूजा पाठ करना हो तो हो सके एक पैसा अपना ही लगाना चाहिए, तो उनको भी, ऐसे लोगों को भी प्रेत बाधा कोई कष्ट नहीं दे सकती। और इसमें जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्यधिक चिन्ह दिखाई पड़ते रहते हैं, अपना तेज निष्फल हो जाता है, वो भी प्रेत बाधा है। जिसके अंतर में प्रेम और सुख की अनुभूतियों का अभाव रहता है, ये भी प्रेत बाधा है। इसमें निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग, वृषोत्सर्ग न होने और अविधि पूर्वक की गई अर्धदैहिक क्रिया से होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि होती है, इससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। तो मनुष्य प्रेत मुक्ति का आचरण करे। जो प्रेत योनियों को नहीं मानते वो प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं, और जिनके वंश में प्रेत दोष रहता है उसके लिए संसार में सुख नहीं होता। प्रेतवाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, ये पांच विकृत हो जाती हैं। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में भी कष्ट होता है, इसलिए उसमें दरिद्रता, निर्धनता, पाप कर्म में लगे रहना और गुस्से वाला स्वभाव रखना और गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भाभी, बहू को नहीं मानना, ये सब ये जो बड़ा कष्ट है। इसलिए इसमें हमारे भगवान ने जो उपदेश किया है, इसमें सारी बातें हम लोग ज्यादा ना कह करके यही सोचें कि हमें जो कुछ भी प्रेत बाधा आदि होती हैं ये हमारे आचरणहीनता से होती हैं। तो हमको भगवान ने बड़ा अच्छा शरीर दिया है, अच्छे आचरण में प्रवृत्त होना चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए, थोड़ा भगवान का स्मरण। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला, मेरे अच्छे पिता अच्छी माता, मेरे अच्छे पिता अच्छी माता, मेरे अच्छे पिता अच्छी माता, अच्छा जीने का ढंग, अच्छी माता, अच्छा जीने का नाम। मैंने परमेश्वर का भजन किया, मैंने परमेश्वर का भजन किया, तो सुंदर मानव तन पाया, तो सुंदर मानव तन पाया, मेरे पूर्व जन्म का दान पुण्य, मेरे पूर्व जन्म का दान पुण्य, मुझको सत्संग में ले आया, मुझको सत्संग में मिले आया। प्रभु भक्त मिले, प्रभु भक्त मिले, प्रभु भक्ति मिली, प्रभु भक्त मिले, प्रभु भक्ति मिली, प्रभु प्रेम मुझे अंग अंग मिला, प्रभु प्रेम मुझे अंग अंग मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मेरे पिछले जन्म के अच्छे जो संतों का सत्संग मिला, जो संतों का सत्संग मिला, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला। सब करके मन और शत्रुपा, सब करके मन और शत्रुपा, दशरथ कौशल्या बनाए, दशरथ कौशल्या बनाए, तप करके मन और शत्रुपा, तप करके मन और शत्रुपा, दशरथ कौशल्या बनाए, दशरथ कौशल्या बनाए, करुणा कर महादेव शंकर, करुणा कर महादेव शंकर, श्री हनुमान
राम नाम वो बूटी है, श्री राम नाम वो बूटी है, मन के संताप मिटाती है, मन के संताप मिटाती है, जीवन के सारे सुख देकर, जीवन के सारे सुख देकर, श्री राम से मिलन कराती है, श्री राम से मिलन कराती है, या राम भजन पावन तन मन किया राम भजन पावन तन मन संतों को आनंद कंद मिला संतों को आनंद मिला मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला मेरे अच्छे पिता अच्छी माता 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 अच्छा जीने का ढंग मिला अच्छा जीने का ढंग मिला मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला जो संतों का सत्संग तो ये आपने जो रामायण में पढ़ा है महाराज उत्तानपाद और उत्थानपाद के जो पुत्र हैं प्रियव्रत आदि जो हमारे और जो मनु जी का जो सुंदर चरित्र आपने हम लोगों ने वर्णन किया नृप उत्तानपाद सुत जासो और ध्रुव हरि भगत भयो सुत तासो उत्तानपाद के ध्रुव जी हुए और उनके प्रियव्रत भी हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत मनुजी महाराज के पुत्र हैं इनके वेद और पुराणों में प्रशंसा होती है यही दशरथ और कौशल्या बने थे तपस्या करके इन्होंने दशरथ कौशल्या का जन्म पाया और उसमें उन्होंने हमारे भगवान राम जी को पुत्र के रूप में पाया एक हमारे महात्मा ने उदाहरण दिया कि देखो किसी महात्मा ने बहुत सारी मूर्तियां लाकर रखी और उसने कथा करके लोगों को कहा कि भाई देखो ये मूर्तियां हैं और इसमें कुछ मूर्तियां राम जी की हैं तो कुछ मूर्तियां रावण जी की हैं आपको जो मूर्ति अच्छी लगे वो कथा के बाद एक एक सब ले जाना तो आप लोग क्या सोचेंगे रावण जी की मूर्ति ले जाएं कि राम जी की मूर्ति ले जाएं रावण की तो नहीं ले जाएंगे स्वाभाविक है कि आप राम जी की ही मूर्ति उठाएंगे राम जी की मूर्ति क्यों उठाएंगे क्योंकि राम जी भगवान हैं राम जी के आचरण बहुत अच्छे हैं राम जी का चरित्र रामायण में कितना अच्छा हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं रावण जी की क्यों नहीं उठाएंगे क्योंकि रावण जी की मूर्ति हो भले ही लेकिन रावण जी की मूर्ति हम इसलिए नहीं लेंगे कि हमारे घर में क्या करेंगे रावण तो दुष्ट आदमी है उसने सीता माता का हरण किया उसने जटायु को मारा उसने देवताओं के ऊपर अत्याचार किए ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किए साधुओं के ऊपर अत्याचार किए तो रावण की मूर्ति हम नहीं उठाएंगे लेकिन एक देखो इमोशन की बात है भावना की बात है लेकिन आप लोग श्राद्ध करते हैं पूजा करते हैं हमारे सनातन धर्म मंदिर की राम मंदिर की मर्यादा है अभी नवरात्र आने वाले हैं तो आप प्रतिदिन यजमान बनते हैं और पूजा कराते हैं और पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं अभी 12 तारीख को अंतिम श्राद्ध है उसमें मैंने देखा जो पूरे 16 दिन श्राद्ध नहीं करते 12 तारीख को वो भी करते हैं कुछ ना कुछ जरूर उसमें ऐसा लिखा है मैं पढ़ रहा था कि जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं हमारे
कई बार ऐसा आपको कई बार मन नहीं है श्राद्ध करने का, तो अभी क्या होता है, कई बार कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम श्राद्ध कैसे करें। तो उसमें पैसा नहीं है तो कहते हैं कि साख की व्यवस्था करो, क्योंकि श्राद्ध में क्या होता है, पंडित जी को भोजन कराओ, पंडित जी को कपड़े दे दो, उनको कोई दक्षिणा दे दो। बोले नहीं, थोड़ा सा साख, सरसों का साख ले आओ, साख से श्राद्ध होता है, और वही पितरों को अर्पण कर दो, उसी को वो स्वीकार कर लेते। कहते हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि हम साख ला सकें, साग सब्जी। बोले हम वेजिटेबल्स, बोले हम वी कैन नॉट बाय वेजिटेबल्स, हम वो भी नहीं खरीद सकते, पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो बोले फिर क्या करो, तो फिर जंगल में जाओ, लकड़ी काट के लाओ और वो लकड़ी को बेचो और उससे साग खरीद के लाओ, और तब साग से श्राद्ध करो पितरों का। वो कहते हैं कि वो भी हम नहीं कर सकते। तो बाद में बताया कि वो भी नहीं कर सकते, तो फिर एक काम करो कि थोड़ी घास ले आओ और घास लाकर किसी गाय को खिला दो, और वो उसमें अपने पितरों का स्मरण कर लो हाथ जोड़कर कि हमने अपनी ये घास हम गाय को अर्पण करते हैं, और गाय के शरीर में सारे देवताओं का निवास है, इसलिए हमारे पितृगण हमसे संतुष्ट हो जाएं। तो ऐसा धर्मशास्त्र में होता है, मनुस्मृति आदि में, पद्म पुराण में, कूर्म पुराण में, कि इसको घास खिलाने से भी वो हमारे पितृगण तृप्त हो जाते हैं। अब यहाँ घास गाय भी नहीं मिलती है, तो किसी पक्षी को भी खिला दें, उसमें अंत में कुछ भी समथिंग कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने, इससे क्या होता है, बहुत बड़ा हमें मालूम नहीं पड़ता कि क्या होता है। हमारे बच्चे जो आजकल हम तो कर भी लेते हैं, हमारे बच्चे तो बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं है कि वो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मंदिर में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, भगवान की बड़ी कृपा हो, मंदिर में आना, पूजा पाठ में थोड़ा भाग लेना, कभी कभी सुन लेना। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो होता क्या। मैंने अभी आपको कहा कि महात्मा ने कहा रावण की मूर्ति है और राम की मूर्ति है, आप सत्संग के बाद एक एक मूर्ति ले जाना, जिसको जो मूर्ति अच्छी लगे। तो सब लोगों ने राम की ही मूर्ति उठानी है, किसी को रावण की मूर्ति तो प्रिय है नहीं। लेकिन महात्मा जी ने कहा भाई सुनो, ये जो राम जी की मूर्ति है ये लकड़ी की बनी हुई है, और जो रावण जी की मूर्ति है ये गोल्ड की बनी हुई है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग फिर भी रावण जी की लेंगे कि राम जी की लेंगे। फिर हम सोचेंगे कि हाँ यदि गोल्ड की है तो कितने लोग ऐसे होंगे। तब उसमें पता चलता है जो गीता में भगवान ने कहा 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यति तत्वतः, कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति मुझे जानने की चेष्टा करते हैं, और हजारों में से भी कोई एक व्यक्ति मुझे तत्व से जान पाते हैं। तो हमने ये अनुभव किया कि वो रावण की मूर्ति सोने की रहे तो हमें क्या लेना है, लेकिन हमारा अपराध, ये तो एक रावण की मूर्ति की सोने की और उसकी लकड़ी की बात उदाहरण है, लेकिन हमारा मन चाहे कितना ही लाभ क्यों ना होता हो, हमारा मन उस बुरे कार्य में प्रवृत्त ही ना हो, हमारे मन में संसार का प्रलोभन किसी भी प्रकार से हमें हमारे धर्म से ना हटा सके, ये हमारे मन में भावना भगवान की कृपा से पैदा हो। तो थोड़ा सा वाल्मीकि जी ने जो भगवान को प्रतिज्ञा की है वो थोड़ा सा स्मरण करें। भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में गए, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। राम जी ने वाल्मीकि जी का दर्शन किया, का दर्शन करके आनंद होता है।
आपको जैसे भक्तों का दर्शन करके अच्छा लगता है, संतों का दर्शन करके अच्छा लगता है, राम जी का स्वभाव भी ऐसा है, बड़े आनंदित हुए। और राम जी वाल्मीकि से क्या बोलते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, हस कही प्रभु सब कथा बखानी, हस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनरानी, जय जय भांति दीन बनरानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी बोले वाल्मीकि जी से, कहे महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, मुनिनाथ मुनियों के नाथ हैं, मुनियों के स्वामी हैं, मुनि माने मनन करने वाले महापुरुष जो शास्त्र पढ़ते हैं और मनन करते हैं, उनको बार बार अभ्यास करते हैं, उनके आप स्वामी हो और त्रिकालदर्शी हो, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा, जैसे बदर माने बेर का फेर, बेर हाथ में रखा हो, बेर तो बेर को हम लोग जानते हैं, बेर कितना बड़ा है, गोल है कि चपटा है, कितना वेट है उसमें सब जानते हैं, ऐसे भूत भविष्य वर्तमान को जैसे बेर को हम लोग जान लेते हैं हाथ में रखा हुआ, ऐसे भूत भविष्य वर्तमान को हाथ में रखे हुए बेर की तरह से आप जानते हैं, भूत में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, राम जी का ऐसा विश्वास है वाल्मीकि जी में। वाल्मीकि जी बड़े खुश हुए, राम जी कहते हैं, देख पाय मुनि राय तुम्हारे, देख पाय मुनि राय तुम्हारे, भाये सुकृत सब सुफल हमारे, भाये सब सुफल हमारे, अस जिए जानी कहिए सोई ठान, अस जिए जानी कहिए सोई ठान, प्रिय सौमित्र सहित जह जान, प्रिय सौमित्र सहित जह जान, तह रुचि रुचि परन तृण साला, तह रुचि परन तृण साला, तह रुचि रुचि परन तृण साला, तह रुचि रुचि करण बात करो कछु काल कृपाला, बात करो कछु काल कृपाला। तो भगवान राम कहते हैं, देख पाय मुनि राय तुम्हारे, हे मुनि राय, हे मुनियों के राजा, राय माने राजा, हे मुनियों के राजा, आपके चरणों का दर्शन करके हमारे आज सारे पुण्य सफल हो गए, सुफल हो गए, फल देने वाले हो गए, सुफल माने अच्छा फल देने वाले हो गए। पुण्य तो हमारे पास होते हैं लेकिन पुण्य हमें फल नहीं देते कई बार, और हम इस जन्म में हमें अभी आज फल दे नहीं तो कल फल दें तो कब फल देंगे, तो हमें फल देना चाहिए, इसलिए संतों के दर्शन करने से हमारे पुण्य सुफल होते हैं, ऐसा समझ करके महाराज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें कोई ऐसी जगह बताओ कि जहां हम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ और सीता अपनी धर्मपत्नी सीता जी के साथ निवास करें, और वहां तह रचि रुचिर पर्ण तृणशाला, और हम बढ़िया सी एक पत्तों की और तिनकों की एक झोपड़ी बनावें और वहां हम निवास करें। और वाल्मीकि कहते हैं, कस न कहू अस रघुकुल केतु, अरे रघुकुल केतु, रघुकुल के एक झंडे तुम ऐसे हो, रघुकुल को ऊंचा करने वाले, हे राम तुम यदि ऐसा नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा, तुम पालक संतत श्रुति सेतु, तुम वेदों का
और श्रुति का पालन करने वाले हो। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, तुम्हारी जो माता सीता जी जो है वो तुम्हारी माया है और वो जो सृष्टि उत्पन्न करने वाली पालन करने वाली जो है, जो तुलसीदास जी ने उद्भव स्थिति संहार कारिणी करके जो वंदना की है। उसके बाद में वाल्मीकि जी ने जो रहने की जगह बताई तो हमारे लिए कि भगवान किनके हृदय में रहते हैं, तो उन्होंने बताया जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग, जिनके कान में तुम्हारी कथा सुनने से तृप्ति ना हो, और जिनके आंख जिनके भगवान के संतों के दर्शन करने से भरे तृप्त ना हो, ऐसे उनके हृदय में आप रहो, और निद्रही सहित सिंधु सर भारी रूप बिंद जल हो सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, और चातक चातक की अन्न तक आश्रित चातक की मृत्यु देह पावधीन विजय सरह समुद्र नद्याधीन बिहाय चातक को यथा, जैसे पपीहा होता है ना, पपीहा मर भी जाएगा और गंगा जी में पड़ा रहेगा लेकिन गंगा जी का जल नहीं पिएगा लेकिन स्वाति नक्षत्र का जल ही पिएगा, ऐसे तुलसीदास जी कहते एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास राम रूप स्वाति जलद और चातक तुलसीदास। तो ये अनन्य भाव से, तो जो अनन्य भाव से आपका भजन करे उनके हृदय में आप निवास करो। और भी बहुत सारी बातें बताई कि आपको निवेदन करके भोजन भोजन करें उनके हृदय में, तुम्हें निवेदित भोजन करें और चरण राम तीर्थ चले जाएं, जो उनके चरण जिनके तीर्थ को जाएं अच्छी जगह को जाएं, राम बसो तिनके मन में आए, और भगवान का भजन तुम्हारा भजन करते हैं मंत्र जाप नित जपे तुम्हारा राम राम जपे, और सब कर मांगे एक फल, कहीं भी जाएं तो एक फल मांगे, गणेश जी की पूजा करें माता जी की पूजा करें नवरात्र व्रत रखें एक फल मांगे, क्या सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो भगवान के चरणों में प्रेत बढ़े, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन दो, उनके आप सिया जी और राम जी आप दोनों उनके हृदय में निवास करो, जिनके कपट दम्ब नहीं माया, कपट ना हो दम्ब ना हो माया ना हो उनके हृदय में रहो, ये सारी बात है। और बाद में कह दिया जाए ना चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तासुर सो राउर निज देह, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए और आपसे प्रेम बना प्रेम हो उनके हृदय में आप हमेशा निवास करो। ये हमने थोड़ा सा भगवान का कुछ चरित्र वर्णन किया, आप लोगों को भगवान सुंदर बुद्धि दें, आप लोग भगवान के चरणों में लगे रहें, आप लोगों के पितृलोग एंसेस्टर्स लोग आपसे प्रसन्न हों और उनके मन में अच्छी भावना हो, यदि हो सके तो अमावस्या के दिन माने 12 तारीख सोमवार को भी थोड़ा जल और तेल लेकर के अपने पिताजी का माताजी जो नहीं है दादाजी का परदादाजी का नाम लेकर या फिर सब पितरों के लिए और ऐसा कहकर कि जो भी हमारे पितृगण हैं वो यदि उनका तर्पण आदि नहीं किया है किसी ने, हमारे परिवार से संबंध रखते हैं या हम हमारे शरीर से जिनका संबंध है वो हमसे तृप्त हो जाएं, तो एंसेस्टर्स को प्रसन्न करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। इन शब्दों के साथ कथा को विश्राम, आरती करें, धन्यवाद।